इस वीडियो का हिमाचल प्रदेश से कुछ भी लेना देना नहीं है, बावजूद इसके पूरे देश में हिमाचल प्रदेश पुलिस बदनाम हो चुकी है। कल ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, हमारे पास भी पहुंचा। मैंने इस वीडियो को देखा, 40-41 सेकंड का वीडियो है। मैंने देखा तो इसमें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि यह 4 नंबर की गाड़ी है और ये पुलिसकर्मी कहीं से मुझे इसकी जो हालचाल है इसके मुझे कहीं से हिमाचल पुलिस के नहीं लगे। मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैंने कहा नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं। लेकिन देखते ही देखते देर शाम होते होते लाखों व्यूज़ बटोर चुके थे हिमाचल के भी कुछ पत्रकार और देश की मीडिया में भी ये जो है ब्रेकिंग के हिसाब से चल पड़ा था। एक बहुत बड़ा चैनल है नेशनल मीडिया, उस पर ब्रेकिंग आई, एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से, वहाँ पर हिमाचल पुलिस 600 किलोमीटर दूर यह एक कैदी को लेकर आई है, पेशी के लिए लेकर आए थे और उसको जो है ताजमहल दिखाया जा रहा है। और ये वीडियो सामने आया, हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं पूरा मामला। तो एंकर कहता है और आगरा से फोन लिया जाता है, फोन पर वो पत्रकार जुड़ा होता है तो उससे कहा जाता है कि जी बताइए आखिर क्या मामला है पूरा, ये तो अपने आप में जो है कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो वो कहता है देखिए ये बहुत बड़ा जो है एक हिसाब से अपराध है और ये हिमाचल प्रदेश पुलिस के कर्मी जो है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत गलत किया जा रहा है, एक कैदी को सुरक्षा के साथ भी ये खिलवाड़ है ताजमहल की और कई बातें वो कहता है। फिर एंकरानी वो कहती है कि जी तो हिमाचल प्रदेश से ये मामला कब का होगा, कहाँ का है, क्या है। तो वो जो रिपोर्टर है वो पहले अकलाता है, कहता है कि देखिए सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश का है और जहाँ तक मुझे लगता है ये वीडियो मंडी पुलिस का है, मंडी से इस कैदी को लाया गया था। फिर मुझे लगा कि मंडी आखिर इसने क्यों कहा, तो मुझे याद आया कि मंडी कंगना रनौत का जो हॉट सीट थी तो उससे बहुत ज़्यादा पूरे देश में चर्चा का केंद्र रही। तो जैसे ही इससे पूछा गया तो इसको एकदम मंडी याद आया, हिमाचल प्रदेश का कुछ और ज़िले का नाम शायद पता ना हो, और तुरंत इसने मंडी कह दिया। खैर खबर एक तरफ ये जो है हंसने की बात भी है और दूसरी तरफ आप यकीन ये मानिए कि नेशनल मीडिया ने इस खबर को चलाया तो क्या कहेंगे हम हिमाचल के अपने पत्रकारों को। हिमाचल के भी उन मीडिया संस्थानों ने इस खबर को चलाया जहां मुख्यमंत्री जाते हैं, जिनके कार्यक्रमों में मंत्री जाते हैं, उन लोगों ने भी इस खबर को चलाया। जबकि कायदे से होना तो ये चाहिए था, देर शाम होते होते हिमाचल पुलिस और मंडी पुलिस को सफाई देनी पड़ी, सोशल मीडिया पर जानकारी देनी पड़ी कि भाई हमारी तरफ से कोई पुलिसकर्मी नहीं भेजा गया, ये हमारे पुलिस का जवान नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई मामला नहीं आया है और जो है हमारे पुलिसकर्मी भी ये नहीं है, बाकायदा उनको लिखना पड़ा, दिखाया गया है कि क्या है कैसे है। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में प्रैंक शो होते हैं, कई लोग वायरल होने के लिए वीडियो बनाते हैं, या अगर असल में भी वो वीडियो है तो हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है कि उसकी पड़ताल करें, पहले उतावलापन ना दिखाएं, ब्रेकिंग की होड़ ना दिखाएं। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि अगर नेशनल मीडिया ने दिखा दिया है तो कम से कम हम हिमाचल के मीडिया तो अपने पुलिस का पक्ष ले लेते, फिर दिखाते सफाई जो उन्होंने दी, सच्चाई दिखाते। लेकिन फिर वही भेड़ चाल शुरू हो जाती है। देर शाम हिमाचल पुलिस ने जो पोस्ट जारी की, दुख इस बात का है कि उस पोस्ट को आधा दर्जन से ज़्यादा चैनल, वो नेशनल मीडिया और हिमाचल के भी कई मीडिया संस्थान, उन लोगों ने उस खबर को तो दिखाया कि हिमाचल पुलिस ताजमहल आगरा दिखाने गई, लेकिन उन्होंने पुलिस कर्मियों के इस पोस्ट को नहीं दिखाया कि ये गलत है, हिमाचल का वीडियो नहीं है, बदनाम करने के लिए कर दिया, लेकिन जो सफाई आई उस पर कुछ नहीं। ये सिर्फ यही मामला नहीं है, देश में ऐसे कई मामले हैं जहां पर आज की तारीख में मीडिया संस्थान सबसे ज़्यादा बदनाम किसी को करते हैं तो वही करते हैं, और जब कर देते हैं तो उसके बाद क्या सफाई होती है, क्या सच्चाई होती है, वो नहीं बताते हैं। हिमाचल पुलिस को भी मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई करनी चाहिए, जुर्माना लगे, पता तो चले उन्हें कम से कम कि गलत हुआ। इतनी ज़्यादा बदनामी, आप यकीन कीजिए, कमेंट पढ़िए ज़रा क्या क्या लिख रहे हैं लोग, तो बदनामी तो कर दी लेकिन अब जो हकीकत है वो कोई नहीं दिखा रहा है।